फरीदाबाद के सेक्टर 4 में मूर्ति नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और यहां से रंगे हाथों अवैध गर्भपात करते हुए स्टाफ को दबोचा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से यहां अवैध रूप से गर्भपात करवाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने एक महिला को नकली ग्राहक बनाकर नर्सिंग होम पर गर्भपात के लिए भेजा। ग्राहक को गर्भपात करवाने की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल स्टाफ को रंगे हाथों दबोच लिया। गर्भपात की दवाई देने को लेकर महिला से 3,000 रूपए वसूले गए और महिला को गर्भ निरोधक दवा खिलाई गयी और साथ में इंजेक्शन भी लगाया गया। इस रेड में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भपात करवाने की दवाई और अन्य सामग्री को कब्जे में ले लिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए रेड टीम के इंचार्ज डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मानसिंह ने बताया कि इस मामले में आगे की जरूरी कार्रवाई की जा रही है और महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। आज यहाँ MTP की रेड है और यहाँ पे दवाई वगैरह उसको दे दिया है जो गर्भवती थी बच्चा गिराने के लिए, और सारा कुछ जो दवाई उनको दे रखी थी कुछ खिला दी थी, कुछ इंजेक्शन लगाए, कुछ एक एनवेलप में दे दी, वो सब रिकवरी होगी और जो भी लीगली कानूनी कार्रवाई बनती है वो जारी है। कितने टाइम से इस तरीके का धंधा चल रहा है, अभी आपने कुछ देखा होगा यहाँ से क्या क्या सामान बरामद किया आपने? हमें जो है माननीय सिविल सर्जन जी के माध्यम से गुप्त सूचना मिली और एक उन्होंने टीम का गठन किया, और ये कहना मुश्किल है कि कितने अरसों से ये चल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल ये प्रूफ हो रहा है कि कर रहे हैं। कितने रुपए लेते थे? 3,000 रुपये इस पेशेंट से लिए हैं और टेबलेट वगैरह और इंजेक्शन वगैरह दे दिया है और उसको घर भेजने कह रहे थे। बाकी हम पेशेंट को अभी BK में एडमिट कराएंगे और जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। क्या पहले भी इस हॉस्पिटल के खिलाफ इस तरीके की शिकायत आई? हाँ, पहले भी इस हॉस्पिटल के पहले भी कोई सुनने में आया है, पर उस टीम में मैं नहीं था। आपको बता दें, इस नर्सिंग होम के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें मिल रही थी, इन्हीं के आधार पर ये छापेमार कार्रवाई की गई। अब पूरी जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के सुजीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।